हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा रियल नंबर रहता है तो रियल नंबर का तो स्क्वायर रूट निकाल ही लेते हैं। जैसे हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 10 कर देते हैं। इसका वैल्यू जो हमारा 3.13 के आसपास आएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम स्क्वायर रूट किसका निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे मान लीजिए कि जेड जो है, जिसका वैल्यू ए प्लस आयोटा भी है, वो हमारा जेड है, तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये हमारा तब वैलिड होगा जब बी जीरो नहीं है, मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये फॉर्मूला लगाना, जब निगेटिव होगा तो ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, अब मान लीजिए बी जो हमारा पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव है तो रूट जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस या और माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट मॉड जेड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, प्लस ए, ए जो हमारा ये रियल पार्ट है, तो मॉड जेड प्लस ए बाई टू प्लस आयोटा टाइम्स रूट अंडर मॉड जेड माइनस ए बाई टू। ये जब बी पॉजिटिव हो, जब बी निगेटिव हो तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ जेड का डेफिनेशन। ठीक है, अब इसी पे देख बेस्ट बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू 9 + 40 आयोटा, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जेड इज इक्वल टू क्या है, तो जेड इज इक्वल टू 9 + 40 आयोटा। तो इसका मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 9 है, और बी का वैल्यू क्या है, 40 है। अब चूंकि बी जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो रूट जेड को हम क्या लिखेंगे, तो रूट जेड मतलब इसका स्क्वायर रूट, मतलब 9 + 40 आयोटा इसका स्क्वायर रूट, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हम फॉर्मूला याद करने बोले थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए बाई टू प्लस आयोटा टाइम्स रूट मॉड जेड माइनस ए बाई टू, ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखें तो ये अंडर रूट, अब मॉड जेड, मॉड जेड निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा रियल अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 1681, जो कि 41 का स्क्वायर होता है। तो 41 हो गया स्क्वायर रूट, तो ये हमारा 41 आ गया। प्लस अब ए जो है हमारा, ए का वैल्यू 9 है, तो ये हमारा 9/2 प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट, ये हमारा 41 माइनस 9/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारा 49 + 1 9 50/2 यानी 25 प्लस आयोटा टाइम्स रूट अंडर, और ये कितना हो जाएगा, 32/2 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस यहाँ 5 + iota × 4, 5 + 4 iota, तो प्लस माइनस 5 + 4 iota। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए। ठीक है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + यहाँ पे 9 है, 9 + 40 iota इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 + 5 + 5 + 4 iota। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, स्क्वायर रूट इसका निकल गया। इसी तरह से हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेथड वन। अब हमारा देखते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से है कि निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जेड इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 1 × iota, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो गया, 0, और बी का वैल्यू क्या है, 1, तो बी हमारा क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हम रूट जेड का वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए बाई टू प्लस आयोटा टाइम्स रूट अंडर मॉड जेड माइनस ए बाई टू। तो सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे तो सेम ही होगा, रूट मॉड जेड प्लस ए बाई टू रूट मॉड जेड माइनस ए बाई टू। अब यहाँ पे बी पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस, अब बी नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से मॉड जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा है, यानी 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर रूट अंडर में, तो ये 1 हो गया, तो मॉड जेड हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं सबका, तो यहाँ से आ जाएगा रूट जेड का वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर, ये हमारा मॉड जेड का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 0, तो 1/2 हो गया प्लस आयोटा टाइम्स ये रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 - 0 1/2, तो ये हमारा 1/2।
ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस, तो ये हमारा 1/√2 प्लस आयोटा बाय रूट टू, ठीक है, तो ये हमारा प्लस माइनस 1/√2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा, तो ये जो हो गया हमारा रूट अंडर आयोटा का वैल्यू हो गया, ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट यहाँ से निकल गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेथड वन। अब जैसे हमारा देखते हैं कि हमको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ क्या निकालना है, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे देखो, तो हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, इसका मतलब क्या है कि ये इसको स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा का 0 प्लस -1 into आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू निगेटिव है, तो बी का वैल्यू निगेटिव रहने पे क्या लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, मॉड जेड प्लस a/2, और यहाँ पे माइनस आयोटा टाइम्स रूट अंडर मॉड जेड माइनस a/2 लिखते हैं, ठीक है। अब चूंकि ए का वैल्यू 0 है, तो ये हमारा 0 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। तो मॉड जेड बाई रूट टू, तो यह हमारा हो गया प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट मॉड जेड बाई रूट टू और माइनस आयोटा टाइम्स रूट मॉड जेड बाय रूट टू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस रूट मॉड जेड बाय रूट टू इंटू 1 - आयोटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड जेड निकाल लेते हैं, तो मॉड जेड इसका मॉडुलस, तो मॉड ऑफ माइनस आयोटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 रख देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 इंटू 1 - आयोटा, ये आ गया हमारा रूट अंडर माइनस आयोटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो पढ़ रहे हैं हम, ये मेथड टू है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये जो हमारा है मेथड टू है इसका, ठीक, यूजिंग यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा यूलर्स थ्योरम को यूज करके स्क्वायर रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये मेथड टू है, दूसरा मेथड है, ठीक है। जिससे जेड जो है हमारा, अगर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में दिया होगा, तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे, मॉड जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। तब अगर इस फॉर्मेट में लिख दिए, तो रूट जेड को हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर दिस वन लिख देंगे, तो रूट अंडर मॉड जेड हो गया इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा था, तो उसका पावर हाफ हो जाएगा, यानी आयोटा थीटा बाई टू हो जाएगा, जहाँ पे मॉड जेड जो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन थीटा जो है मॉड बी बाय मॉड ए हो जाएगा, ठीक। तो इस मेथड से इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जैसे मान लो इसी जैसे अभी सॉल्व किए थे, उसी को इस मेथड से सॉल्व करते हैं, कि हमको निकालना है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ठीक है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अब आयोटा को लिख देंगे उसका मैग्नीट्यूड इंटू, जैसे जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा, आयोटा को लिख देंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा और थीटा, थीटा हमारा क्या है, तो अब यहाँ पे देखें तो आयोटा हमारा क्या है, एक तरह से 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, यानी कॉस ऑफ 90 डिग्री π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, मॉड जेड 1 है इंटू ई टू द पावर आयोटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, π/2, तो ये हो गया π/2। तो आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा को लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा π/2, ठीक है, 1 1 इंटू इतना, ठीक। अब जो है हमको क्या निकालना है, रूट अंडर आयोटा, यानी रूट का अंडर आयोटा का वैल्यू रख दो ई टू द पावर आयोटा π/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आयोटा π/2 और उसका पावर हाफ, रूट का मतलब, ठीक है। तो ये ई टू द पावर आयोटा π/4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा जो हो गया वो ई टू द पावर आयोटा π/4, यानी ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, बाहर में प्लस माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, ई टू द पावर आयोटा π/4, यानी cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, तो यहाँ से रूट आयोटा का वैल्यू हो गया प्लस माइनस, और cos π/4 1/√2 प्लस, और sin π/4 का वैल्यू 1/√2 आयोटा टाइम्स, ठीक है, 1 इंटू आयोटा, यानी 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, यहाँ पे प्लस माइनस, यही हमारा रूट अंडर आयोटा का वैल्यू होता है, ठीक है। इस तरह से हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं, ये हमारा जो है यूलर्स थ्योरम को यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लो माइनस आयोटा है, ठीक है, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ
माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय टू, ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, तो इसको क्या लिख देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय टू, इसका मतलब हो गया ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय फोर इसका वैल्यू, ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है, बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा का वैल्यू प्लस माइनस और ई टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाय फोर, यानी कॉस माइनस पाई बाय फोर प्लस साइन आयोटा साइन माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस कॉस माइनस पाई बाय फोर यानी 1/√2 यहाँ पे, और ये बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस आयोटा 1/√2, ठीक है। यहाँ से हमारा आ गया प्लस माइनस 1 - iota/√2, ये हमारा इसका स्क्वायर रूट हो गया। इस तरह से हम इजीली जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट से। तो ये हमारा दो मेथड्स हो गया, दोनों मेथड से जो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब तो हम क्या करते हैं, ये सेकेंड मेथड से निकालते हैं, फर्स्ट मेथड से तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा के निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों मेथड से इसका सॉल्व करके निकाल ही देते हैं, ठीक है, दोनों मेथड से। तो जैसे हमारा मेथड वन में हम क्या बताए थे कि यहाँ पे ए जो हमारा 3 है, ए जो है 3 है और बी है हमारा 4 है, जो चूंकि बी पॉजिटिव है तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू डायरेक्ट प्लस माइनस, और यहाँ पे रूट जेड मॉड जेड प्लस ए बाई टू, और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है तो ए पे बीच में पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा टाइम्स रूट मॉड जेड माइनस ए बाई टू, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, रूट अंडर मॉड जेड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 3² + 4² यानी 5 होगा, तो मॉड जेड 5 हो गया, प्लस ए का वैल्यू क्या है 3, तो ये हमारा 3/2, और प्लस आयोटा टाइम्स रूट अंडर मॉड जेड का वैल्यू 5 - 3/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस 5 + 3 8/2 यानी 2, तो 2 + iota ये हमारा हो जाएगा 1, तो 2 + iota प्लस माइनस 2 + iota, तो ये हो गया हमारा रूट जेड का वैल्यू, ठीक है। तो इजीली यहाँ से हम निकाल लिए स्क्वायर रूट ऑफ जेड, ठीक। अब जो है ये हमारा मेथड वन था, ठीक है। अब मेथड टू से सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। मेथड टू हमारा क्या बोलता है कि जेड को हम पहले लिखो, जेड जेड जो हमारा दिया हुआ है जेड को लिखो मॉड जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जेड हमारा क्या दिया हुआ है, 3 + 4i, ठीक है। तो इसका मॉड जेड यानी मॉड हमारा जेड 5 है इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। अब आयोटा थीटा जहाँ पे कि हमारा टेन थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा का वैल्यू वाई बी बाई ए है, यानी 4/3 है, 4/3 है, तो ये हमारा हो जाएगा जेड का वैल्यू, ये तो रूट जेड हमारा क्या हो जाएगा, तो रूट जेड हमारा जो हो जाएगा तो वो रूट 5 रूट मॉड जेड, रूट मॉड जेड मतलब रूट 5 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बाई टू, ठीक है। ये हमारा रूट 5 इंटू, अब ई टू द पावर आयोटा थीटा बाई टू यानी कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, ठीक है। और चूंकि टेन थीटा का वैल्यू 4/3 है तो कॉस थीटा बाई टू कैसे निकालेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे यहाँ पे, तो कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू हम लिख देंगे अंडर रूट 1 + cos θ/2, ये हमारा कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा। अब टेन थीटा का वैल्यू 4/3 है तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 3/5, और साइन थीटा 4/5, तो कॉस थीटा हमारा आ गया 3/5 और साइन थीटा आ गया 4/5, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 1 + cos θ वैल्यू 3/5/2, तो यहाँ क्या आ गया, ये हमारा आ गया 4/5 यानी अंडर रूट 4/5 यानी 2/√5, ठीक है। उसी तरह से साइन थीटा बाई टू निकाल लेंगे तो साइन थीटा बाई टू हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 - cos θ/2, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 - 3/5/2, ये आ जाएगा 1/√5। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखने से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रूट रूट जेड का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा रूट 5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/√5 प्लस आयोटा आयोटा इंटू 1/√5, ठीक है, ये आ गया। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, रूट फाइव से रूट फाइव ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, 2 + iota आ गया, अब बाहर प्लस माइनस लगता है तो ये हमारा रूट जेड का वैल्यू हो गया।
तो दोनों दोनों मेथड से हमारा सेम रिजल्ट आ गया, सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि हमारा ये भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में के लिए, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक।